मीडिया पर आगरा एसएसपी कार्यालय के बाहर खड़े एक आदमी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में आपको बता दें कि आदमी अपने घर की लड़की के साथ गैंगरेप की बात कह रहा है। आदमी रो रो कर मोदी और योगी से मदद मांग रहा है। आदमी का दावा है कि अस्पताल इसे एक्सीडेंट केस बता रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। इंसाफ की गुहार लगा रहे शख्स का नाम राजवीर सिंह है। वायरल वीडियो में जिस लड़की से गैंगरेप की बात कही गई है वो उसकी भतीजी है। परेशान शख्स का आरोप है कि इस महीने की 23 तारीख को राधा नाम की लड़की कॉलेज गई। उसी दिन दोपहर को परिवार को सूचना मिली कि छात्रा का एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। जब अस्पताल पे पहुंचे तो छात्रा की हालत बेहद गंभीर थी। उसके सर से खून निकल रहा था, चेहरे और हाथों पर निशान थे। बेहोशी की हालत में वो कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, जाने दो। उसकी हालत से साफ लग रहा था कि उसके साथ जाती हुई है। बच्ची को क्या करे, कहीं है न्याय? अंदर मैडम बोलती है कि 300 लगा के दोषी को अंदर भेज दिया है। उसके सिर पे मारा है, अंदर अंदर तक चाकू गया, अंदर ब्रेन हेमरेज हो गया। चिल्ला रही है, चीख रही है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, कुंडी खोल दो, सलवार ऊपर कर रही है। डॉक्टर बोल रहा है, डॉक्टर बोल रहा है एक्सीडेंट है, मेरा एक्सीडेंट कर दो। आप ये चाहते हैं पूरी जानकारी हो उस चीज की? आपको तो मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिली? नहीं नहीं, मेडिकल रिपोर्ट देते ही नहीं है वो लोग। आपने दोबारा मेडिकल की जांच? हाँ, दोबारा से मेडिकल करवाने की मैं अप्लाई करूँगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से यह शख्स गुहार लगा रहा है। दरअसल इसकी भतीजी अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर्स का कहना है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन ये शख्स बता रहा है कि उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। किस तरह से ये सरकार प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आगरा का ये वीडियो है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। बहरहाल पूरी जांच किस तरह से की जाती है और कितना संजीदा पुलिस इस मामले को लेकर होती है ये देखने वाली चीज है, लेकिन डॉक्टर्स इसे एक्सीडेंट का केस बता रहे हैं। बहरहाल ये उस युवती का परिजन है जो ये कह रहा है कि उस लड़की के साथ ज्यादती हुई है, उसके साथ दुष्कर्म किया गया है और मामले को तोड़ मरोड़ कर सामने लाने की कोशिश की जा रही है। मामले को दबाने का आरोप पुलिस पर लगाया जा रहा है। आप पूछ रहे हैं कि वीडियो के बारे में, मैंने ये वीडियो इसलिए वायरल किया क्योंकि पुलिस प्रशासन बिल्कुल हमारी सुन नहीं रहा था। हम मजबूर थे, कहीं पे भी जाते सब लोग हमारे खिलाफ थे। हमारी FIR तक एक्सेप्ट नहीं की गई। उन्होंने कहा लाओ तुम्हारी FIR में अच्छी नहीं है, इसमें धाराएं नहीं लगेंगी और मैं अपने हिसाब से FIR अच्छी बनाता हूँ। ये कहकर के SO साहब ने ऐसी FIR बनाई है कि उस FIR से सिर्फ 366 लगी है, तो इसलिए मजबूरी में फिर हमें वीडियो ये करके डालना पड़ा और पूरा हिंदुस्तान जो है हमें सपोर्ट कर रहा है।